हेलो गाइज वेलकम टू साइंस वर्कशॉप दिस इज़ हेयर गाइज इस वीडियो में हम एम एस सी फाइनल जुलूजी का जो टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी वाला पेपर फोर्थ है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि 2023 में जो पेपर होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ठीक है वैसे तो गाइज देखें तो इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है तो उनमें से कहीं से भी एग्जामिनर वैसे को, कोई भी टॉपिक उठा के दे सकता है कोई भरोसा नहीं होता कि भाई आप जो बता दोगे वहीं से आएगा लेकिन वही बात है थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लगता है वो पढ़ना ठीक है एग्जाम टाइम में सो so गाइज़ अगर आपको इसका पी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो साइंस वर्कशॉप के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आप चाहो तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो कुसुम चौधरी के नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाएगा और दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना फीज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ये बार आने वाला क्वेश्चन है पीछे वाले जो प्रीवियस देखे तो उसमें कई बार रिपीट हुआ हुआ है इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोपी ओके जिसमें ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड हम पढ़ते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी में और TAM और यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये दोनों ही पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में कई टाइप जो है वो हमें दे रखे हैं अगर आपने सारे पढ़े तो अच्छी बात है लेकिन पेपर और एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जरूर पढ़ लेना फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्रु... क्रोमेटोग्राफी पे इसमें भी कई टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी होते हैं लेकिन उसमें से भी टीएलसी और एचपीएलसी जरूर पढ़ लेना अगर सारे अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो आइसोटॉप्स एंड हाफ लाइफ नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेसर टेक्निक्स इन बायोलॉजी एट्थ हमारा टॉपिक है जीएम काउंटर ये गीगर मूलर काउंटर होता है ठीक है नेक्स्ट है क्लोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोमीटर एंड नेक्स्ट है ओटो रेडियोग्राफी ये गाइज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है टूल्स वाला ठीक है उसमें से मैंने टेन क्वेश्चन पिकअप किए हैं ये वाले टेन क्वेश्चन किसमें से पिकअप किया टूल्स वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या हमारा टेक्निक्स वाला तो नेक्स्ट जो पूरा सेट है टेन क्वेश्चन का वो टेक्निक्स में से लिया है मैंने सो so, टेक्निक में कौन कौन से जो टॉपिक uh, है वो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो देखते हैं फर्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन एंड कोट कोटकोव सेकेंड जो टॉपिक है वो है बायोटीनियेटेड डी एन ए प्रोब थर्ड टॉपिक है ब्लॉटिंग टेक्निक्स ये गई पीछे प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है कि भाई ब्लॉटिंग टेक्निक जो है एक दो बार फाइव मार्क्स में पूछा गया और एक बार तो ट्वेंटी मार्क्स में पूछा गया है ठीक है ब्लॉटिंग टेक्निक्स वाला थर्ड है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी सॉरी uh, फोर्थ था ये फिफ्थ है हमारा सेल वायबिलिटी टेस्टिंग सिक्सथ जो टॉपिक है वो है रिकॉमिडेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है रिकॉमिडेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड इट्स टॉपिक है फिक्सेशन नाइन्थ जो टॉपिक है वो है केमिकल एसेज एक होता है बायोलॉजिकल एसेज तो अगर वो आपके पास में टाइम हो तो बायोलॉजिकल एसेज भी पढ़ लेना टेंथ जो टॉपिक है वो है जीनोमिक एंड सी डी एन ए लाइब्रेरी ठीक है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस है दैट्स वाई मैंने फ़ाइव क्वेश्चन और पिकअप किया है जो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाला है ठीक है ये ट्वेंटी तो पढ़ के जाना इसके अलावा भी हमने फाइव क्वेश्चन जो है वो और इंक्लूड किए हैं क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लेंदी है है ना मतलब सिलेबस बहुत लंबा छोड़ा है तो उसमें से सेगजामिनर कहीं से भी उठा सकता है तो एटलीस्ट ये ट्वेंटी फाइव तो करके जाना है ना बाकी आपने अगर पहले से जो क्वेश्चन पढ़े हैं जिनके पास आ, पहले से अपने नोट्स हैं वो नोट्स जरूर लास्ट टाइम में रिवाइज करके जाना सो so, हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ये कई बार पूछा जाता है कई सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड।, एसिड में आर और डी आ जाता है डी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक थर्ड है क्रायोटेक्निक्स ये सिक्स वाला यूनिट है टेक्निक्स के अंदर गाइज ये थोड़ा छोटा ही पड़ेगा तो नॉर्मली ओवरव्यू लेके जाना इसका क्रायो टेक्निक्स का छोड़ना मत इसको लेम्बर्स एंड बियर लो ये टूल्स में ही है और टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी तो ये फाइव लास्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं तो इनको भी एक बार देख के चले जाना ओवरव्यू इसका लेके चले जाना और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और पेपर होने के बाद में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इनमें से ये ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है इनमें से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं या फिर इनमें से नहीं आए जो भी है वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ठीक है थैंक यू सो मच गाइज़